गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टीथ, द फंक्शंस ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द टीथ, द इरप्शन ऑफ टीथ एंड द ब्लड सप्लाई ऑफ टीथ. द नेक्स्ट वन टॉपिक ऑफ द सेम सिस्टम, द राइसिस सिस्टम, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्री ट्रैक्ट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट विद द ओरल कैविटी इज सलाइवरी ग्लैंड. The salivary glands in the exocrine glands that produce saliva through a system of duct. We have two type of glands. First one is exocrine, the second one is the endocrine glands. So what is the mean of exocrine? Means वो glands जो अपने secretions को ducts के through directly वहाँ छोड़ती हैं जहाँ उनका action होना है, means at the site of action. एंड वट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्टलेस होती हैं, मीन्स ये अपने सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करती हैं. इनकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेल्स हैं और जो भी सिक्रेशंस निकाल रही हैं, सिक्रेटरी सेल्स हैं, वो अपने सिक्रेशंस को फॉर्म करती हैं और वहीं पर सिक्रेट कर देती हैं, मीन्स सेम ऑर्गन के सेम ग्लैंड के अंदर. और वो सिक्रेशंस वहाँ से ब्लड सप्लाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू वो हॉर्मोन्स जो हैं वो सिक्रेशंस साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर के अपना एक्शन दिखाते हैं. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होने वाली सीक्रेशंस, वहाँ से ब्लड जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो एब्जॉर्ब करती है और वो सर्कुलेशंस वहाँ से सीधे पहुँचते हैं. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्रेटेड बाई द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस हार्मोन सर्कुलेट बाई द ब्लड एंड इट वर्क इन द ओवरी, है ना. मीन्स साइट ऑफ एक्शन इज ओवरी. सो दोज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड. बट सलाइवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मीन्स ये अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली डक्ट्स के थ्रू ओरल कैविटी में ही छोड़ती हैं. ह्यूमंस हैव थ्री पेयर मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स. दोज आर फर्स्ट वन पैरोटिड, सेकेंड वन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड थर्ड वन इज सब लिंगुअल ग्लैंड्स. सो ह्यूमंस के अंदर तीन तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, एज वेल हंड्रेड्स ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. फर्स्ट वन, वट आर द पैरोटिड ग्लैंड्स. The two parotid glands are major salivary glands wrapped around the mandibular ramus in humans. Means जहाँ पर mandibular ramus होता है, mandibular ramus you know, जब हमने temporal bone के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर एक socket था जिस socket में mandible bone का prominence यानी कि ball अध्यक्ष रहता है, fixed रहता है, जहाँ पर वो जो mandible है वो अपना movements करती रहती है. उसके जस्ट बिलो पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. द लार्जेस्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, सी दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड्स, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और मैक्सिमम सीक्रेशन ऑफ सलाइवा इन्हीं ग्लैंड्स के द्वारा होता है. ये पेयर्स में होती हैं दोनों, एक वन राइट साइड में एंड सेकेंड वन इन द लेफ्ट साइड. द सीक्रेट सलाइवा टू फैसिलिटेट mastication and swallowing of food and amylase to begin the digestion of starch. Means जो saliva secretion है, salivary glands से आने वाले secretions को saliva कहा जाता है और ये saliva mastication में help करता है और यानी कि food के पीसने में, यानी कि bolus formation में and swallowing में. Means जैसे ही saliva secret होगा, teeth के द्वारा food को masticate किया जाएगा, उसमें जो सलाइवा है, द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वो मिक्स होता है एंड फूड कन्वर्ट हो जाता है बोलस के अंदर. मींस द मैस्टिकेटेड फूड इज कॉल्ड बोलस मिक्स्ड विद सलाइवा. एंड यहाँ जो सलाइवा है, सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च. मींस स्टार्च के लार्ज मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है. इट एंटर्स द ओरल कैविटी वाया द पैरोटिड डक्ट. So that's why these are the exocrine glands, because they have duct. Next one is submandibular glands. The submandibular glands are a pair of major salivary glands located beneath the lower jaw, superior to the digastric muscles. The secretion produced in a mixture of both serous fluid and mucus and enters the oral cavity via the submandibular ducts. So these are also the same salivary glands, means some mandibular glands present just beneath the mandible, below the mandible, and secrete serous fluid and mucus which help in the digestion. Next one is the sublingual gland. Third one, the submandibular glands also present in the pair and the sublingual glands also present in the pair. Means all these three salivary glands are present in a pair, one in the right side, second one in the left side.
The sublingual gland are a pair of major salivary gland located inferiorly to the tongue, means sublingual region में, जहाँ oral cavity में sublingual region होता है, they are present, the, what is the mean of sub, what is the sublingual region? The area, the portion just below the tongue is called sublingual region, and the salivary glands, those are present below the tongue in the sublingual region are called sublingual salivary glands. They are also exocrine glands anteriorly to the submandibular glands, means submandibular glands ke just aage ki taraf. Approximately 5% of saliva entering the oral cavity comes from the taste these glands, means submandibular glands, and these are the smallest gland in these three salivary glands, and they secrete a less amount of saliva. The secretion produced is mainly mucus in nature. Minor salivary glands, there are, means these are the smallest, many more minor salivary glands, those are present in the oral cavity just below the tongue or in the lateral surfaces of the tongue. There are 800 to 1000 minor salivary glands are located throughout the oral cavity within the submucosa of the oral mucosa in the tissue of buccal and lingual mucosa. Next one is blood supply of salivary glands. The arterial supply, blood supplied by the carotid artery and the venous drainage by the jugular vein. Composition of saliva, means saliva में क्या क्या contents होते हैं, just see. About 1.5 liter of saliva is produced daily and it consists of, means हमारी oral cavity में 6 salivary glands के द्वारा approximate 1.5 liter saliva per day secrete किया जाता है, और इसका formation होता है water, mineral salts, enzymes, mucus, lysozyme and immunoglobulins, means proteins. Functions of saliva. Saliva contribute to the digestion of food and to maintenance of oral hygiene. Without normal digestion, salivary function, the frequency of dental caries, gum disease and other oral problems increase significantly. And saliva also play a better important role in the lubricant, as a form of lubricant for the lubrication of food and oral cavity for the swallowing. Saliva coat the oral mucosa, mechanically protecting it from trauma during eating, swallowing and speaking. In people with little saliva, soreness of the mouth is very common, and the food, especially dry food, sticks to the inside of the mouth. Saliva also help in the digestion, like as for example previously हमने देखा था यहाँ पर amylase secretion होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ saliva इंक्लूडिंग मॉइस्टनिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट ए फूड bolus. Bolus हिंदी में कहते हैं इसे लुगदी, means जब फूड के अंदर जो फूड इनटेक किया हुआ है उसके मैस्टिकेशन के बाद में saliva का मिक्सेशन होता है, और saliva जब फूड में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो फूड का एक फॉर्म बनता है जिसे हम bolus कहते हैं, means वो फूड जो swallow करने के लिए रेडी है, कॉल्ड bolus. दिस लुब्रिकेटिव फंक्शन ऑफ saliva अलाउ द फूड bolus टू बी passed ईजीली फ्रॉम द माउथ इन टू द esophagus. रोल इन द टेस्ट ऑफ salivary gland. Saliva is very important in the sense of taste. It is the liquid medium in which mechanical chemicals are carried to taste receptor cells, mostly associated with lingual papillae. So have you understand how the salivary glands play a role in taste? See, salivary gland से निकलने वाला saliva हमारे food के साथ mix होता है, और food में जो chemicals mixed हैं वो उस saliva के अंदर dissolve हो जाते हैं, और ये डिजॉल्व्ड केमिकल्स सलाइवा के साथ टेस्ट बर्ड्स तक जाते हैं. टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंटेड नर्व एंडिंग्स उस केमिकल्स से स्टिमुलेट हो जाती हैं, और एक नर्व इम्पल्स बनती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है. इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा ब्रेन के लिए भेज दिया जाता है. ब्रेन में जहाँ टेस्ट रिसेप्टर है या जहाँ पर स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं, टेस्ट सेंटर है, वहाँ पर उस इम्पल्स को डिकोड किया जाता है, और हमें पता चलता है कि हमने जो खाना खाया है, जो फूड इंटेक किया है, उसका टेस्ट कैसा है. अदर फंक्शंस ऑफ सलाइवा आर सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ. सलाइवा इज सुपर सैचुरेटेड विद वेरियस आयंस.
नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जीआई ट्रैक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द फारिंग्स. द फारिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रॉट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबव द इसोफेगस एंड द लारिंग्स और द ट्यूब गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स. द फारिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ. Branching of the pharynx is the esophagus which carried food to the stomach. See, what are the pharynx? Pharynx are the tube-like structure. Those are continuous with the mouth and oral cavity and nose and superiorly they are continuous with the mouth and oral cavity. Oral cavity and the nose. And inferiorly, it continues directly with the larynx and esophagus. And इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो है फूड को पास करना. मींस ऑरल कैविटी से फूड को लेना और उसे इसोफेगस या इसोफेगस में पास कर देना. द इसोफेगस और इसोफेगस व्हाट यू वांट टू से कॉमनली नोन एज द फूड पाइप. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू डिस्कस मोर डिस्कशन अबाउट द फायरिंग. सी फायरिंग्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. मीन्स द फायरिंग्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस या थ्री पार्ट्स. दोज आर नेसोफायरिंग्स, ओरोफायरिंग्स एंड लैरिंगोफायरिंग्स. नेसोफायरिंग्स सी व्हाट इज द नेसोफायरिंग्स. अ पार्ट ऑफ फायरिंग्स व्हिच कंटिन्यूस विद द नेजल कैविटी इज कॉल्ड नेसोफायरिंग्स. And oropharynx, the part of pharynx which continues with the oral cavity is called oropharynx. And laryngopharynx is the part of nasopharynx and laryngopharynx. And means the combination of naso and oropharynx. जब nasopharynx और oropharynx दोनों combined होकर एक single pharynx बना लेती हैं और esophagus और larynx are continuous हो जाती हैं, that part is called laryngopharynx. वन मोर थिंग अबाउट द फायरिंग्स. नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है नेसोफायरिंग्स में, ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है ओरोफायरिंग्स के अंदर और नेसोफायरिंग्स की ओपनिंग होती है ओरोफायरिंग्स में और ओरो और नेजो जो ओरोफायरिंग्स की ओपनिंग होती है लैरिंगोफायरिंग्स में. आई रिपीट अगेन, नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द नेसोफायरिंग्स, ओरल कैविटी ओपन्स इनटू द ओरोफायरिंग्स and nasopharynx opens into the oropharynx and oropharynx opens into the laryngopharynx and laryngopharynx opens into the larynx and esophagus. See, next one, structure of the digestive system or digestive alimentary tract. The esophagus or oesophagus, what you want to say, commonly known as the food pipe or gut. The esophagus is a muscular tube connecting the throat and pharynx with the stomach. Means it's also called food pipe. And what is the main role of this esophagus? ये केवल connect करता है pharynx को stomach के साथ में. The esophagus runs behind the windpipe. Windpipe कहते हैं trachea को. Wind means air, pipe. एक ऐसी pipe जो air का flow करती है, that is the windpipe and trachea and heart. And in front of the spine means जो presentation है esophagus का, esophagus के just behind spine है, means vertebral column है हमारा. And anterior अगर बात करें तो esophagus के just anterior surface पर heart और trachea present है. The length of esophagus is 25 centimeter and diameter is 2 centimeter. See, this is the esophagus. You can see this the first superior part is the pharynx. And just below the pharynx, this is the esophagus. You can see the aorta and the trachea. Means trachea and heart is present in front of the esophagus. And see, the esophagus is. The flow of esophagus is controlled by two sphincters. Sphincters are the structures, muscular structure, work like as a valve, or they are also called false valves.
दीज आर नॉट कम्प्लीट वाल्व बट दे प्ले अ रोल लाइक एज अ वाल्व, मीन्स ये कम्प्लीट वाल्व नहीं होते हैं बट उन्हीं की तरह सेम रोल प्ले करते हैं। और इनका काम होता है कि जो भी स्ट्रक्चर में फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, कितने अमाउंट में कब फ्लो होना है, फूड को मीन्स पाइप को कब बंद करना, कब ओपन होना है। दीज ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, मीन्स बाय द नर्व सप्लाई। सो ईसोफेगस सुपीरियरली the flow is controlled by the upper sphincter, a superior esophageal sphincter, and inferiorly the esophagus is controlled by the lower esophageal sphincter, or you can say lower sphincter. And another name of this lower esophageal sphincter is cardiac sphincter, because ये जो reason है lower esophageal sphincter वाला वो heart के just behind है, cardiac region में है, that's why we call cardiac sphincter. लेकिन होता ये esophagus के अंदर alimentary tract में है। वन थिंग इज कि फूड टंग, जब फूड को हम स्वेलो करते हैं तो टंग के द्वारा एक फोर्सफुली उसको ओरल कैविटी में से फेरिंग्स के अंदर, नहीं ओरो फेरिंग्स के अंदर धकेल दिया जाता है, प्रेसराइज किया जाता है, पुश कर दिया जाता है, तो ओरल कैविटी तक वो टंग के वेव की वजह से जा रहा है। लेकिन टंग ओरल कैविटी से जब ओरोफेरिंक्स में पहुँचेगा, ओरोफेरिंक्स से जैसे ईसोफेगस में जाएगा, तो ईसोफेगस में फूड का जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू होता है। व्हाट आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, हिंदी में कहते हैं इनको सर्पिलाकार गतियाँ, मीन्स मसल्स हैं वो अपने आप को जो, क्योंकि ईसोफेगस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो मसल्स अपने आप को कॉन्स्ट्रक्शंस करती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं, उन कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से जो फूड है वो आगे चलता है। सी द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, कि पीछे की तरफ से मसल्स आपको अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही हैं, फूड आगे चल रहा है, मीन्स जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट आएगा, पीछे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फूड आगे खिसकेगा, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फूड और आगे जाएगा, फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फूड और आगे जाएगा, और पीछे से मसल्स जो हैं ईसोफेगस की मस्कुलर वॉल की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती चली जाती हैं। इस तरह से फूड का आगे मूवमेंट होता रहता है, इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सी द स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस, द वॉल ऑफ द ईसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमेन आउटवर्ड कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, लेयर ऑफ मसल फाइबर्स बिटवीन लेयर ऑफ फाइबर्स टिश्यू एंड द आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स हम ईसोफेगस की या फूड पाइप की स्ट्रक्चर की बात करते हो, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज द म्यूकोसा, उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज द सब म्यूकोसा, उसके बाद आती है मस्क्यूलर लेयर, एंड सबसे लास्ट में सबसे बाहर की तरफ होती है कनेक्टिव टिश्यू लेयर, आउटर लेयर, जिसके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ फाइबर टिश्यूज भी होते हैं, जो कि ईसोफेगस की स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देते हैं और कनेक्टिव टिश्यू हेल्प करते हैं इसकी शेप को मेंटेन करने में। द म्यूकोसा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ अराउंड, यस द म्यूकोसा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ अराउंड थ्री लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स विच कर कंट्रास्ट टू द सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनर सेल्स ऑफ द स्टमक। मीन्स जो इनर म्यूकोसा लेयर है वो कम्प्लीटली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यूज की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड कहते हैं जिनमें मल्टी लेयर्ड, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड, सिंपल मीन्स जहाँ सिंगल लेयर टिश्यू हैं, स्ट्रेटिफाइड जहाँ मल्टी लेयर टिश्यू, मीन्स स्क्वैमस फ्लैट एपिथीलियल टिश्यूज की कई सारी लेयर प्रेजेंट होती हैं इस लेयर के अंदर। मोस्ट ऑफ द मसल्स इज स्मूथ मसल्स, ऑल दो स्ट्रेटेड मसल्स प्रीडोमिनेंट इन इट्स अपर थर्ड। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है इस मस्कुलर लेयर की, मीन्स ईसोफेगस की मस्कुलर लेयर की जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप की मसल लेयर से मिलकर बनती है। मीन्स ये कह सकते हो कि इसकी मस्कुलर लेयर को हम दो सब क्लासेस में बांट सकते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, दूसरी होती है सर्कुलर मस्कुलर लेयर। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर है उसका नाम लॉन्गिट्यूडनल से ही आपको समझ आ रहा होगा, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स जहाँ पर मसल फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में अरेंज्ड हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। सेकंड वन सर्कुलर मसल लेयर, मीन्स जहाँ पर मसल फाइबर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, दैट वन इज कॉल्ड सर्कुलर मसल लेयर। इट हैज टू मस्कुलर रीजन और स्फिंक्टर्स इन इट्स वॉल, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम। द टॉप वन स्फिंक्टर इज ए सर्क्यूलर मसल दैट नॉर्मली मेंटेन्स कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ए नेचुरल बॉडी पासेज ऑफ और ऑरिफाइस एंड विच रिलैक्स एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। द लोअर स्फिंक्टर हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ कार्डियक स्टमक कंटेंट। सी इन द सिंपल वर्ड्स,
दो स्फिंक्टर्स होते हैं इसोफेगस में, अपर स्फिंक्टर लोअर स्फिंक्टर। अपर स्फिंक्टर को प्लेसमेंट के बेसिस पर नाम देते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर को प्लेसिस के प्लेसमेंट के बेसिस पर नाम दिया जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। दोनों इस मसल्स के बने हुए, मैंने आपको पहले कहा था मस्कुलर फोल्ड्स हैं। अभी भी हमने बात की कि जो इसोफेगस की मस्कुलर वॉल है उसके अंदर केवल दो टाइप की मसल्स अरेंजमेंट है, एक सर लॉन्गिट्यूडनर दूसरे सर्कुलर। लेकिन जो स्फिंक्टर्स हैं वहाँ पर सर्कुलर मसल्स का अरेंजमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फोल्ड बन जाता है, बन जाता है मसल्स का। रोल प्ले बता देते हैं आपको कि जो अपर स्फिंक्टर है वो डिसाइड कर मीन्स जो अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ फूड का जो हम अमाउंट ले रहे हैं उसको डिसाइड करता है कितना कितना अंदर जाने देना, वो धीरे धीरे फूड को अंदर भेजता है। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्सेस को रोकता है, क्योंकि स्टमक के अंदर हैवी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं, बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे कि फूड वापस इसोफेगस में न लौट के चला जाए। ये रोल होता है कार्डिक स्फिंक्टर का, यानी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का। फंक्शंस ऑफ द स्टमक सी, फंक्शंस ऑफ बॉलस सॉरी फंक्शंस ऑफ द इसोफेगस सी, फॉर्मेशन ऑफ ए बॉलस, जो फूड को इनटेक किया था उसको मैकेनिकल डाइजेस्ट किया, फिर केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ फूड के साथ में और उसका बॉलस फॉर्मेशन हो गया। तो वहाँ पर जितना बॉलस फॉर्मेशन ओरल कैविटी में रहा उतना ओरल कैविटी कर देती है, ओरोफेरिंग्स और फेरिंजियल पार्ट जो है वो फेरिंग्स केवल फूड को पास करती है ओरल कैविटी टू इसोफेगस, और उस बॉलस को जो बॉलस ओरल कैविटी से फॉर्म हो क्या रहा है उसको और अच्छे से बॉलस में कन्वर्ट करना, इसमें एक रोल इसोफेगस का भी होता है। स्वेलिंग ऑफ फूड मींस फूड को स्वेलो करना, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ एंड व्हेन स्वेलोड पास फर्स्ट इनटू द फारिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस, रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हेल्प टू प्रिवेंट रिफ्लक्सेस, बैक फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एंड एसिड इनटू द इसोफेगस, प्रोटेक्टिंग द इसोफेजियल म्यूकस। ब्लड सप्लाई by the esophageal artery, which is the branch of thoracic aorta, inferior phrenic artery. Venous drainage by the left gastric vein, ठीक है, और जो nerve supply है by the spinal nerve, जिसका एक plexus है thoracic plexus कहते हैं, तो thoracic plexus की branches के द्वारा nerve supply दी जाती है। तो guys video बहुत लंबा हो जाएगा, update करने में इसको problem होगा, so thank you. The remaining part we will see in the part 3.